कात्यो कतायो कपास उग्यो ई कहावत रो क्या मतलब है काका? कात्यो कतायो कपास उग्यो, कात्यो कतायो कपास हो गयो बेटा, ई कहावत को मतलब है मन के मालूम भाई। अरे तेरे ई कहावत को मतलब तो अबार मने वन दम गुड्डी तो या मालूम है, वन दम गुड्डी, वन दम गुड्डी तरिया। अरे एकदम अच्छी तरिया, वन दम, वन दम रो तो एकदम मना दियो काका, समझ में भी आवे पर गुड्डी रोची किया मने थे। अरे तो लंगूर जिया गुड माने अच्छा, तो गुड्डी माने अच्छी। चलो थे बिन छोड़ो, बताओ बताओ थे मन उत्तर बताओ वीरो। हाँ Okay. बेटा मैं बड़ी मस्ती के मायने यहाँ टमक 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 करता एक गली सु निकल रहो। Okay. कमन अचानक एक आवाज सुनी जी। Okay. अरे तू लुगाई एक डाकड़ है। थे मिश्री तो मैं माखन, थे डाकी तो मैं डाकड़। अरे तू। हाँ मैं, बोलो क्या दिक्कत है? मैं तो डर गई। अरे जब मैं तन कह दियो मैं घरों निकलू तो तू मन फोन मत करिया कर, तो तू फोन क्या करियो? पहले तो मैं ये नॉर्मल सी खड़ी, फिर मन अचानक थोड़ी सी रीस आई, फिर उन्हें फोन कर दियो, फिर था नंबर मिलाया पति देव जी, फिर उन फोन कान का लगायो, हेलो यहाँ करियो। अरे करियो क्यों हो? लो अब पूछो ही नहीं कहीं घर खड़ा हो। अरे तो घरों निकलता ही पूछ गए, थोड़ा बाजार तक जाऊं तो दिया करे। अब इतनी बात पूछन खातर थान बाजार पहुंचन को इंतजार और करूंगी, और थानोगे थे तो बाजार पहुंच गए भी आई कैसे, और तो मैं बाजार पहुंच गई तो हूं। देखी तू लच मत कर, लच मत कर। नहीं जना तन मैं एक कर कह दियो मेरे घरों निकलता है तू मन फोन मत करया कर, नहीं जना अब की हुए ने। देखी देखी तू कितनी रीस आवे काली गोंदी की तरह, के कर दे अब की ने। हे तो फोन करूं, किसी के बाप में दम है तो एक पत्नी को अपने पति को फोन करने से रोक के बताए। लातारी भूतनी बातों कौन माने? नारी ने जो मारम पीटम, मेरी गरीबी में जिंदगी छींटा छींटम, मानम समानम जो नारी का करतम, लक्ष्मी रहतम घरमम हरदम। इसी लुगाई ना हो तो गरीबी ठीक है। अरे तेने, अरे भाई इतना के नर नचारी है तू घर का मायने, जी कोई संसार की सगलाओ मोटी बीमारी गरीबी बिना छुकवा दियो। ना बेटा यहाँ नहीं करना भाई, अब आज मैं बारह करो करो नहीं थारा फूलाऊ ज्यादा मुलायम सिंह शब्दा नहीं, बस सारा सुना मैं जन बेटा। मेरे दिमाग का मैंने एक बात आई टोपी उठा के मत ही घुसगी, जन मैं को बात है जी की टोपी उठा के माया घुसगी तो आपने धोती उठा के माया घुस जाओ। अरे बच्चा ना बताओ तो एक मिनट आपने टाइम है तो बता दूं। लो सुनो जना, एक आदमी हो बेटा वो आपकी लुगाई की बहुत ज्यादा इज्जत करे करतो, बा दोनों आदमी लुगाया का मायना इतो प्रेम हो, इतो प्रेम हो कह लोग सोगन खाया करता बंग प्रेम की बोलो। तो एक दिन बीरो कोई पड़ोसी है जी को भी ना पूछो क्या भाया तू थारी लुगाई की इतनी इज्जत किया करे, थारे मायने इतो प्रेम किया है वो। अब पड़ोसी है भाई है? नौकरी पैसो कोई प्रेम पड़ोस में की दिख जाए तो भी गलता ही हो जाए, पूछे बिना रह जाए गुंजन बिचारो पूछ लियो है? तो वो आदमी भी पड़ोसी ने बताऊं लागियो क्या भाया मेरे एकदम फुल आज्ञाकारी पत्नी है, अनार गालोड़ी हरियोड़ी चटनी है, बिना की कह दू नी बा मान्या ही सरे, जब चिलचिलाती धूप का मैंने दोरम बैठ पर मैं बिना आ के जो नहीं कटाउड़ी ई दोरे का मैंने मेरी सुई गिर गई, तू अगरबत्ती का चान ने मैंने बस सुई ढूंढ के देवे नहीं तो सुई ला दो ने ला दो बा ढूंढन लाग जाए। हालांकि बिना भी एकदम अच्छी तरह मालूम है क्या बात है जी की सफा बीटी है, बीटी यानी बेतुकी पर बा ठहरी भारतीय पत्नी, एकदम पतिवर्ता नारी पति की हर आज्ञा को पालन करने वाली, बिंग ई व्यवहार की वजह से मैं बिंग इतने ज्यादा इज्जत करूं और जना मार दोना का मानी तो ज्यादा प्रेम है। और आई बात जे ओ तन्ने के दवे तो तू के कवे पाछो ही ना रिप्लाई में के कह
ले मैं बताऊ, मैं देख लियो तेरा पैटर्न है जो तूने के टाइप को कह सका। ओ जा मिट्टी में बैठ चिलचिलाती धूप का, मैंने तना बात कह देवे नहीं, कडाउडी अगरबत्ती जगार लाई मेरी मिट्टी का, मैंने सुई गिर गई तो तू इन्हें सुई दे कह क्यों भोगना घुमीज क्या तारा। और इतो मोटो सूर थारो बाप ऊपर जगन लाग रहे तो थाने सुई दिखन कौन लाग रही, तो मेरे लिए अगरबत्तियों के मेरी माँ का गोडा ढूंढो डीएस कड़ी का डीएस एंड पोल संक ए डायलॉग टेका तू इन्हें ना बेटा सब पा गलत बात भाई, ये व्यवहार का मायने नहीं, तुरंत गति से बदलाव कर। अगर पति परमेश्वर इज्जत चाहिए, घर में सुख शांति चाहिए, आपस में प्रेम चाहिए, तो इरी आज्ञा को पालन करना शुरू कर दे। पच्चा देख बेटा तेरो जीवन है जी को स्वर्ग बंदी स्वर्ग है, घर में शांति सुख सब आज सी लोग सोगन का है, घर में शांति है बिरी शांति बा सुख शांति वाली बिरी सोगना खाई अल मार गारंटी है। अरे जितने वो कह दियो कभी मेरा घर निकलता है इतना फोन कौन ही करना, तो बेटा अब तेरो फोन करने का तो सोचनो भी पाप है। थोड़ी देर बाद अरे बेटा माँ पार्वती जी तो है नहीं, भगवान शंकर खातर आपको पीरो तक छोड़ दिया तो तू इतो को फोन कौन छोड़ सके खातर बोल बोले बोल भाई। अब आएगा मजा, सिद्ध हो कण आओ आ दो बात खातर तो फोन कर ही शू कौन छोड़ सकू। अब देख ले तू बा ना समझेल दरी माते नीचे बेटी पलाता मार के, मैं भी ने समझाई एकदम अच्छी तरह समझाई, मन लगा के समझाई, उदाहरण का सागे समझाई, आधी घंटा तक ज्ञान दियो मैंने, मैं बहुत खोटी हुई अभिंग ऊपर और बिने बटे बिठायो ले जागे कटे भी समझदारी वाली कुर्सी माते बिने तो एक मिनट लागी लास्ट के बाद झटके ने कह दियो मैं तो फोन कर सू आगे बात तो सागी जगह भी दरी मात पची। हाँ हाँ तो फिर इन्हीं तो क्या काटो कटो कपास करना है और किन क्या इन्हीं क्या। अच्छा मतलब अपा कोई भी काम मेहनत करके करा और अंत में वो पाछो विषय हो जाए जिससे वो शर्म हो बिन क्या काटो कटो कपास हो। और असल में तो तेरे सवाल को इतो ही उत्तर है जिको तू बोले है बार, पर मेरे साग आज की ताजा घटना होड़ी जो मैं क्यों तेने सुना दा सागे तेने उत्तर मिल जाई अर की अपने टाइम पास हो जी मजो आजी भाई आयो नहीं आयो। नहीं नहीं वास्तव में काका उत्तर तो मिल ही गयो और उत्तर के सागे सागे थे आनंद भी खूब दे रहे हो। थैंक यू भाई थैंक यू। काका वास्तव में बहुत ज्यादा आनंद दे रहे हो आते थे मजो आ गयो आई थैंक यू भाई थैंक यू। अरे काका तारीफ तारीफ करो बीती कम है बहुत ज्यादा आनंद दे रहे थे आज। बहुत बहुत धन्यवाद तने आले मां तो जुकार हाथ जोड़ के दियो अब तो ठीक है। ओहो काका हो गई जो ना ना ये के काका लगड़ी है नी ना 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 की कर लगड़ी इतनी लगड़ी है चिनिक चिनिक आ चिनिक क्या लगी ओ ना पूछ तो क्या लगी थी बस ठीक है डकी डकाई पड़े रहने। अरे यहाँ ना करो काका बताओ 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 तो काका ले और देख ले तेरे काम आई कर दी देख ले। बार तो भाटो माथे थोड़ सो टच कर रही काट्यो है जन माथो थोड़ सो खंडी थी होयो है जे मुड़ गए कदी बिना पूछे ही हमारे घर में चौधर कर लिए नी तो आ नारियल सी खोपड़ी उतार ठी राख लूला। काका सवाल तो एक हो पर उत्तर कई मिल गया कई मिल गया। हाँ एक तो कत्ते कत्ते कपास आलो हाँ। एक हो के लुगाई से कितो ही समझा दो वहाँ दो बातें खातर तो पति ने फोन करी सी किन्ने हो कणा हो करसी और एक हो के कदी गिरी फाटोड़े में टांग नहीं गालनी जब तक घरार कोई ज्ञान नहीं मांगे नी इतने ज्ञान नहीं देनो नहीं देनी यहाँ मातो खंडी तो जय। अब तुम कह दान काटने लगे करने नहीं तो जाओगे तो देख मैं खींच के चल तू।